और ये देखते हैं सूबे के मुखिया मामा शिवराज के सिंगापुर में नगर निगम के सुस्ती का आलम। पिछले 3 महीने से मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं शक्ति नगर श्रीनगर जाने वाली मुख्य सड़क से पिछले 3 महीने से लगातार पानी का जल जमाव है। सड़क तालाब की तरफ बन गई है और नगर निगम अमला या NTPC प्रबंधन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आने जाने वाले रहवासियों जनता या आम नागरिकों के दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। किस तरह से आम आदमी परिवार को लेकर के बाइक से इस तालाब नुमा सड़क से गुजरते हैं, कई बार तो हादसे हो जाते हैं, लोग बाइक लेकर गिर जा रहे हैं, पर नगर निगम अमला इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। नगर निगम अमले की सुस्ती का आलम है, लापरवाही का आलम है कि आम जनता को सड़क पे तालाब रूपी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है और तमाम अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। कैसे सड़क बन गई तालाब, इस अव्यवस्था से गुजरते हुए रहवासियों से आइए बात करते हैं और जानते हैं कि उनका दुख और दर्द कैसे है, कैसे वो का सामना करना पड़ रहा है। आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? ये पानी से किस तरह गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? प्रशासन और नगर निगम तो कुछ कहना चाहेंगे इसको दूर कराने के लिए? नेताजी लोग तमाम वादा करते कि हम सड़क बना देंगे, बिजली बना देंगे। पिछले 3 महीने से यहाँ पानी जमा हुआ सड़क पे, कोई भी नेता सुख लेने वाला नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आ रहा, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? से आपने एक रहवासी का अभी देखा कि वो तमाम तरफ से दर्द अपना बयां कर रहे थे कि सड़क बननी चाहिए। चुनाव आते ही तमाम नेता वादे करते हैं और सड़क बिजली पानी की व्यवस्था दिलाने की बात करते हैं, पर पिछले 3 से 4 महीनों से इस सड़क पे पानी का नदी टाइप का बन गया है, पानी का अंबार लगा हुआ है। कोई भी प्रशासनिक अमला, नगर निगम का अधिकारी या कोई भी राजनीति प्रतिनिधि यहाँ पे जनप्रतिनिधि इसे देखने के लिए नहीं आया, ना ही इसे दूर करने के लिए कोई बात हो रही है। आखिर मोहम्मद सिराज के सिंगापुर में इस तरह की सुस्ती और लापरवाही का क्या मालूम है? भाजपा आपका साथ आपका विकास की बात करती है, यहाँ पे जन विकास की बात क्यों नहीं करती है? यहाँ पे जनता के दर्द और मुसीबतों का देखते हुए इसे दूर किया जाए और पानी यहाँ से हटाने की त्वरित कार्रवाई किया जाए।